हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के बारे में। और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि भाई आप तो फाइनेंस से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही ज़्यादातर वीडियोस बनाते हो, तो आज कोरोना वायरस पे क्यों? तो दोस्तों, वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, हेल्थ इज़ वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है आपका। अगर दोस्तों स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहेगा, आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, तो दोस्तों आपका वो वेल्थ है जो आपकी किस काम की। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर आप बीमार हैं तो पैसा क्या करेगा दोस्तों? आप किसी चीज़ का आनंद लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों बस उसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी आपको एडवाइजरी देना चाहता था, न्यूज़ देना चाहता था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज इंडिया में 58 केसेस जो हैं टोटल हमारे इंडिया में पाए गए हैं कोरोना वायरस से लेकर, जो पेशेंट अभी तक पता लगे हैं। और हमारा इंडियन जो इंडियन है उनको ईरान से लाया गया है यहाँ पर, और हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में उनको दोस्तों 14 दिन तक रखा गया है मेडिकल डॉक्टर्स की निगरानी में। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते बिल्कुल अच्छे से, उनके मेडिकल वगैरह नहीं हो जाते, तो उनको वहीं पर रखा जाएगा दोस्तों। और आज ईरान ने भी 52 और डेथ्स की रिपोर्ट दी है। अब तक टोटल 291 जो डेथ हैं ईरान में कोरोना वायरस की वजह से हो गई हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, आप सारे कहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, SMS बन रहे हैं दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में, कि कितनी तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। और हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर ही है आसपास में पंजाब पड़ता है, तो दोस्तों वहाँ पर भी आज 10 संदिग्धों का पता लगा है कोरोना वायरस से रिलेटेड। हालांकि उसमें सिर्फ एक ही जो पेशेंट है उसको ही थोड़े से शक हुआ है कि उसको कोरोना वायरस है। तो दोस्तों आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, जो जो एडवाइजरी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आपने सुना भी होगा, पहले एक व्यक्ति खांसता है तो फिर बाद में उसकी एडवाइजरी चलती है कि अगर किसी को खांसी हो, जुकाम हो, तो उससे आप 1 मीटर की दूरी बनाकर रखिए और हैंड शेक मत कीजिए किसी से भी। तो दोस्तों जो है हमें अपना खुद का ख्याल रखना होगा, और हो सके तो आप घर की चीज़ें ही खाएं, ज़्यादातर बाहर की चीज़ें ना खाएं। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।